Hello everyone, very good morning. So today is 10th of August and we are here for the discussion of daily current affairs. So how are you guys? Sab badhiya, sab very good morning, theek hai, good morning, good morning. Achha, haan haan, class bilkul time pe start ho gaya hai. Sorry for keeping you waiting for 1 minute, hai na. So let's start the session guys, current affairs ko start karte hain. Sabse pehla current affairs jo hai, bahut zyada current affairs hai. और MCQs भी सॉल्व करने हैं हमको लास्ट में जाके, फिर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्यू कॉन्सेप्ट्स. तो ये सब चीज़ करने वाले हैं आज. और ठीक है, नहीं बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग का बैक एंड से कमेंट देखते हैं जब लाइव नहीं होता और आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं, गुड मॉर्निंग, है ना, मैम कहाँ चली गई, ऑल प्रीवियस क्लास आई वॉच, इट इज़ माई फर्स्ट ऑनलाइन क्लास. अनुपम कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है सबका. ठीक है, तो देखिए डिफेंस में एक्सपो होता है ना, तो डिफेंस एक्सपो ये होने वाला है गांधीनगर गुजरात में. इसको याद रखिएगा, डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात. राजनाथ सिंह जी जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वही इसको इनॉग्रेट करेंगे. ठीक है, नहीं मोदी जी नहीं करेंगे, राजनाथ सिंह जी करेंगे. पुनीत राजकुमार जी, इनको कर्नाटका रत्न मिलने वाला है पोस्ट थॉमसली. तो पुनीत राजकुमार इनका निधन हो गया और वो भी अचानक से. तो इनको अब कर्नाटका का जो सबसे सर्वोच्च अवार्ड मिलता है रत्न अवार्ड, वो पोस्ट थॉमसली यानी मरणोपरांत मिलने वाला है. चेस ओलंपियाड उज्बेकिस्तान में होने वाला है. आप मुझे क्या कमेंट सेक्शन में बताएं कि उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है, क्योंकि टुक टुक कंट्रीज जो हैं आपके तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि उज्बेकिस्तान का कैपिटल कहाँ है और चेस ओलंपियाड 2026 का होने वाला है उज्बेकिस्तान में. ठीक है, ठीक है, बात करेंगे हम लोग, कल राखी है. ठीक है, हाँ इस पर भी बात करेंगे. कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं ताशकंद, ताशकंद कैपिटल है उज्बेकिस्तान का. ठीक है, इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल इनॉग्रेटेड. तो हम टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कर रहे हैं इजराइल के साथ, ताकि हम सब्जी जो है वो और बेहतर तरीके से उगा सके. और आप जानते हैं कि आने वाले टाइम में हम लोग को हाइड्रोफोबिक यानी कि थोड़ा पानी कम इस्तेमाल करके, साथ ही साथ लैंड को कम यूज करके, इस तरह से कल्टीवेशन करना पड़ेगा. और इसके लिए हम लोग इजराइल से टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कर रहे हैं. इंडिया की उड़ान, तो इंडिया की उड़ान यानी कि अमृत महोत्सव जो हम मनाने वाले हैं 15 तारीख को, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, गूगल ने लॉन्च किया है इंडिया की उड़ान. ठीक है, अब बिहार में बहुत ज़्यादा खेला हो गया है. पहले बिहार में RJD और JDU की सरकार थी. बिहार का टोटल अगर आप गणित समझेंगे तो 243 सीट्स हैं विधानसभा में. 243 का हाफ मतलब अप्रोक्स अगर 122 सीट्स, अप्रोक्स क्या एक्यूरेट, अगर 122 सीट्स किसी एक पार्टी के पास रहेगी तो ऑब्वियसली सरकार उनकी ही बनेगी. लास्ट टाइम 177 सीट्स थी RJD यानी लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, जिसको अभी लीड कर रहे उनके छोटे बेटे तेजस्विनी यादव, और JDU जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार जी की पार्टी है. हम इतना विस्तार से क्यों बता रहे हैं, आपको पता ही चल ही गया होगा. ठीक है, तो ये इन दोनों जो हैं, इन दोनों को मिलके 177 वोट्स थे, मतलब सीट्स थे इनके पास. उसके बाद क्या हुआ कि बीच में वो जो आप सुने होंगे धोखेबाजी और धोखाधड़ी और इस तरह से, ये कोलिजन टूट गया. फिर कोलिजन टूट गया तो सबसे ज़्यादा सीट्स तो ऑब्वियसली था RJD के पास ही, लेकिन JDU ने यानी नीतीश कुमार जी की पार्टी ने BJP के साथ गठबंधन बना लिया, जो इनका NDA है. ठीक है, तो BJP के साथ ये थे और गठबंधन बना लिया था इन्होंने. BJP और इनकी सरकार चल रही थी, डबल इंजन की सरकार. उसके बाद क्या हुआ कि अब कल शाम 4 बजे फागू चौहान जो कि बिहार के गवर्नर है, उनके साथ नीतीश कुमार जी ने अपनी मीटिंग की, और मीटिंग के बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, यानी कि सरकार जो है वो गिर गई, टूट गई. अब 2020 में इलेक्शन है, 2022 में वापस से इलेक्शन होगा नहीं. तो फागू चौहान जो कि गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है,
ये अपने मन से किसी भी पार्टी को बुला सकते हैं, जिनको क्या करना होगा, अपना जो आप लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन प्रूफ करना होगा, यानी हाउस में इनके पास ज़्यादा मेजॉरिटी है ये प्रूफ करना होगा। अब ये ऑब्वियस बात है कि जेडीयू जो है वो वापस से आरजेडी के पास जाएगा और आरजेडी के साथ इनको सरकार बनानी है, और कांग्रेस ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो इसको सपोर्ट करने वाला, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बहुमत होने वाला है बिहार में नीतीश कुमार जी। लेकिन एक मतलब एकदम चमत्कार बात यह है, सरकार किसी की भी हो, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ही रहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपका बिहार से कोई भी रिलेशन है। 7 बार तो लास्ट टाइम पढ़ चुके थे, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी कितनी बार ओथ लेने वाले हैं एज अ मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी कितनी बार ओथ लेने वाले हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग पूरा तख्ता पलट, बिहार काफी इंटरेस्टिंग रहा। मेन चीज यही था कि वो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो बिहार में भी कमल खिलाए, ऑपरेशन लोटस, देश के कोने कोने में कमल नहीं खिलेगा, बिहार में नहीं खिलेगा। लेकिन हाँ, अभी तक प्रॉब्लम यह है कि इतना ज्यादा पोटेंशियल होने के बाद, आई एम फ्रॉम देयर सो आई कैन से, बिल्कुल आप लोग में से भी बहुत लोग हैं बेगूसराय से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, तो आप समझ रहे हैं कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल होने के बाद, इतना ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद, आप लोग इतने टैलेंटेड हैं, फिर भी मतलब एज अ इफ आई से एज अ टीचर ऑल्सो, तो बिहार का ही टीचर, बिहार का ही स्टूडेंट आके कहीं और पढ़ता है, ये फैक्ट है। तो पॉलिटिकल विल थोड़ी कमी है, लोग नहीं चाहते कि सब कोई जो है वो पढ़े लिखे जाए, ताकि उनकी वोट जो है वो कम ना हो जाए। लोग जाति के आधार पे अभी भी वोट देते हैं बिहार में, और ये फैक्ट है। जब तक आप अपने जो नेगेटिव पॉइंट्स उसको नहीं समझिएगा, तब तक आप कैसे आगे बढ़िएगा। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जल्दी से एक अच्छा जॉब लें, गवर्नमेंट जॉब लें, और अपने प्रदेश के लिए, जिसके पास इतना पोटेंशियल है कि भारत का पूरा इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो शुरुआत आपको मगध से ही करनी होगी, है ना, तो आप उस प्रदेश को और बेहतर बनाएं, ठीक है। फेडरल बैंक फर्स्ट टाइम गेटवे, तो ये मैंने बोला था कि न्यू टैक्स प्लेटफॉर्म, ये गेटवे फेडरल बैंक सबसे पहले शुरू किया है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी ने अनाउंस किया है 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पूरी तरह से 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट, ठीक है। तो ये आप पढ़ चुके हैं, ये भी हो गया। अब कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्काईलाइट के बारे में पढ़ा था कि इंडियन आर्मी एक पैन इंडिया ड्रिल कंडक्ट कर रही है, स्काईलाइट टू टेस्ट ऑपरेशनल रेडीनेस। तो बेसिकली स्काईलाइट, हमारे पास अभी तक इंडियन आर्मी के पास एक भी कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था जो स्पेस में रहे, तो हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्काईलाइट इंडियन आर्मी की है, इसको लॉन्च कर रहे हैं। टाटा स्टील टू स्पेंड 3,000 करोड़ ऑन सेटिंग फॉर न्यू वंदे मातरम ट्रेन, तो वंदे मातरम ट्रेन शुरू होने वाला है भारत में, और टाटा स्टील जो है वो इसको इसमें 3,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। गुस्तावो पेट्रो, पहले भी मैंने बोला था कि एक लेफ्टिस्ट नेता है और ये प्रेसिडेंट बने हैं कोलंबिया के, लेफ्टिस्ट यानी कि रिबेलियन नेता आप बोल सकते हैं, तो ये लेफ्टिस्ट नेता है। SBI ने फर्स्ट क्वार्टर नेट प्रॉफिट इनका कम हुआ है, तो SBI का पहले क्वार्टर में, जो हमारा पहला क्वार्टर चल रहा है, पहला क्वार्टर शुरू होता है कब से, अप्रैल मई जून, राइट, तो अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर रहा, इसमें इनका नेट प्रॉफिट कम हुआ है SBI का। इंडियन बैंक ने रिसीव्ड अ ₹32 लाख फाइन फ्रॉम RBI, तो ये मैंने कल भी बोला था कि 32 लाख का फाइन लगा इंडियन बैंक को RBI द्वारा। कॉमनवेल्थ गेम्स, हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, टोटल हमारे पास 61 मेडल्स हैं और भारत ने 4th पोजीशन हासिल किया है। तो कॉमनवेल्थ गेम में ऑजी स्विमर, इनका नाम है ईमा मैक्योन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल इन 56 कंट्रीज, ठीक है, तो 56 कंट्री के बीच में इन्होंने हैज वन मोर गोल्ड मेडल देन 56 कंट्री ने मिलकर जितना गोल्ड मेडल जीता है, ये स्विमर, ऑजी स्विमर, इन्होंने अकेले उतना गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड, इस पूरे स्कीम का अब 3 साल हो चुका है, वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड का क्या कंसेप्ट है, मान लीजिए कि एक मजदूर की फैमिली है,
और उनके पास राशन कार्ड है, मजदूर की फैमिली जो है वो लेती है अनाज, ठीक है, और फ्री में उनको अनाज मिल जाता है। अगर वो फैमिली बिहार की है तो आपको पता है कि उसके लिए भी उनको बाहर जाना पड़ेगा। कोविड में हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो देश भर में बिहार के ही थे, जिनको वापस आने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो अगर मान लीजिए कि ये जाते हैं बैंगलोर मजदूर, पूरी फैमिली में से कुछ लोग, चार पाँच लोग जाते हैं, और राशन कार्ड किसके पास है, उन लोगों के पास है जो बिहार में है। तो वहाँ के जो सेल्स पॉइंट है, मतलब जहाँ से उनको मिलता है राशन, वो बोलेंगे कि नहीं, ये आपको सिर्फ बिहार से ही मिलेगा, बैंगलोर से नहीं मिलेगा या कर्नाटका से नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमने इस पॉलिसी को लेकर आए थे हम, कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ताकि एक मजदूर चाहे देश में कहीं पे भी जाए, उसको अपने राशन कार्ड पे जो उसका लिमिटेड अमाउंट है या जो उनका टोटल कोटा है, कोटा के हिसाब से उनको पैसे मिल सके, मतलब पैसे नहीं, अनाज मिल सके। अब आप बोलिएगा मैम आधी फैमिली आए आधी फैमिली आए, तो हाँ उसी हिसाब से बाइफर्केशन करने की भी बात हुई थी। और अब इस स्कीम को हमने 3 साल पूरा हो गया है स्कीम का। एशियान हैज सेलिब्रेटेड 55 ईयर्स एनिवर्सरी इन 2022। तो एशियान देश में आपको पता है कि 10 अलग अलग देश आते हैं, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, आप बताइए बाकी हम कौन सा नहीं बताए हैं, ब्रुनेई, है ना, तो ब्रुनेई, टोटल दस देश आएंगे, ठीक है प्रधान जी, 22 हैं टोटल, 22, ठीक। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने जीता सिल्वर मेडल आफ्टर लूजिंग टू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। तो इंडियन क्रिकेट टीम ने, वुमेन क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता, ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में। पीवी सिंधु जी ने गोल्ड मेडल जीता वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन में। और जैसे कि 6 अगस्त को आप हिरोशिमा डे मनाते हैं या ऑब्जर्व किया जाता है, उसी तरह 9 अगस्त को नागासाकी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, तो वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल यानी कि जो अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, जो अपने भाषा को, स्पिरिट को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, उसके लिए एक इंटरनेशनल डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। चले ठीक है, तो नाउ वी विल डू विद द क्वेश्चन एंड आंसर। वेरी गुड, जय श्री कृष्ण मैम, ठीक है, जय श्री कृष्ण। हाँ, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम। मैम एफ कैट के लिए एक रिवाइज सेशन बनवा दीजिए प्लीज, ठीक है। ऐसे जिवेद सर का चल रहा है रिविजन सेशन एफ कैट के लिए। हमारे गांव के पास एक कंपनी है, वहाँ भी बिहार के सबसे ज़्यादा लोग बहुत कम काम करते हैं, ठीक है। तो ट्राइबल डे आपका, जैसे अभी मैंने बताया आपको वर्ल्ड इंडिजीनियस डे, तो जो वर्ल्ड इंडिजीनियस डे है वही वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। और ये 9 अगस्त को मनाया जाता है ताकि ये पता चल सके कि हम लोग उनके राइट्स को, उनके पॉपुलेशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको इक्वल राइट दे रहे हैं। थीम है द रोल ऑफ इंडिजीनियस वुमेन इन प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। क्योंकि जब तक किसी भी माँ को अपने पूरे कल्चर के बारे में नहीं पता होगा, तो वो किस तरह से उस नॉलेज को, उस ज्ञान को अपने बच्चे को देगी। तो इसीलिए इस बार हमने वुमेन सेंट्रिक थीम रखा है, इंडिजीनियस वुमेन। फोटो से भी आपको याद रहेगा, ये वाला जो फोटो रहा इससे आपको याद रहेगा कि इस बार का थीम है इंडिजीनियस वुमेन इन प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। नागासाकी डे किस दिन मनाया जाता है, यह आप बता सकते हैं, इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यस, ठीक है। तो नागासाकी डे भी अभी आप लोग पढ़ चुके हैं कि 2022 को 77 ईयर्स हो चुके हैं इस ट्रेजिक घटना का, जहां पे फैट मैन, लिटिल बॉय हिरोशिमा पे था, फैट मैन जो है वो नागासाकी पे, ये जापान में है, और अमेरिका ने इस बॉम्ब को गिराया था वर्ल्ड वॉर टू के ऑलमोस्ट एंडिंग पॉइंट पे। और ये 1945, अभी तक ये एटॉमिक बॉम्ब था जिसका जनरेशन टू जनरेशन अभी तक हमने प्रभाव देखा है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत ने 4th पोजीशन में अब फिनिश किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। आप बताइए कि भारत ने टोटल पदक कितने जीते हैं। 4th पोजीशन में अभी फिनिश किया है भारत ने, और टोटल पदक जो हमने जीते हैं वो है 61। तो 61 मेडल, 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल,
ये हमने टोटल जीता है और ये इस बार 2022 में हमने इतने सारे पदक जीते हैं। अभी तक का हमारा अगर बेस्ट पूछा जाए तो 2010 का था जो भारत में ही हुआ था, तो कॉमनवेल्थ गेम एट होम भारत में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और इस कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने 101 पदक जीते थे, 101 मेडल्स, जिसमें से 38 गोल्ड मेडल्स थे। अगर आप इस साल देखा जाए तो बेस्ट जो प्रदर्शन हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया द्वारा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने 178 मेडल्स जीते हैं जिसमें से 67 गोल्ड है, इंग्लैंड ने 176 जिसमें से 57 गोल्ड है और कनाडा ने 92 जिसमें से 26 गोल्ड है। ओके, हिमालयन स्पाइस गार्डन, तो हिमालय में हम लोग एक स्पाइस का मतलब होता है मसाले, ठीक है, तो मसालों का गार्डन बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ पे अब देख रहे हैं हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि कल्टीवेशन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, कल्टीवेशन को बेहतर बनाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाएंगे और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस कल्टीवेशन को बेहतर बनाने के लिए हमने एक रानी खेत जो कि उत्तराखंड में है, तो हिमालयन स्पाइस गार्डन अपनी तरह का एक पहला गार्डन रहेगा और इसको हमने इनॉग्रेट किया है और इसको हमने बेसिकली शेखर पाठक जी ने, मतलब नोटेड शेखर पाठक जी हिस्टोरियन है, इसको इनॉग्रेट किया है और ये रानी खेत में मेजर स्पाइस जो रहेगा फ्रॉम केसर जो कि कश्मीर में उगाया जाता है, वहां से लेकर तेज पत्ता, तिमूर, वाइल्ड हींग हम लोग भी खाते हैं, हींग खाना चाहिए, खिचड़ी वगैरह में आपकी मम्मी डालती होंगी, तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में ये बनाया गया है, ठीक है। 75 चेस ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने, ये कल हमने पढ़ा था कि 75 चेस ग्रैंड मास्टर, क्या आपको याद है कि कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? अगर आप लोग कंटिन्यूअस नहीं रहेंगे ना करंट अफेयर्स में तो देखिए तब गड़बड़ है, करंट अफेयर्स में रोज नई नॉलेज मिलती है, कल हम जो पढ़ाते हैं वो आज पूछते हैं, तो इसीलिए कल वाला भी देखना होता है। हाँ बिल्कुल, ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड मेडल था। तो बी प्रणव जी 75th ग्रैंड मास्टर है और इन्होंने रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीता है, चेन्नई के हैं और लिम्पेडिया ओपन में भी इन्होंने पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ आकाश एयर हैज बीन इनोग्रेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज सिटीज, तो दो शहर जिनके बीच में ये आकाशा एयर ने अपना पहला फ्लाइट लॉन्च किया है, ये कौन से दो शहर हैं? करंट अफेयर्स में हम बार बार एक बात कह रहे हैं, जो बच्चे नए हैं वो सुन लीजिए, कंटिन्यूटी इम्पॉर्टेंट है। आज आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अभी जितनी भी बातें मैंने बोली है उसको बस ध्यान से सुनो, ठीक है, न्यूज सुनते सुनते याद हो जाता है, वैसे यहाँ पे भी सुनते सुनते याद हो जाएगा। तो ये मुंबई से अहमदाबाद है, एक कंपनी है जिसका नाम है आकाशा एयर, इन्होंने अपना पहला फ्लाइट जो है उसको लॉन्च किया है मुंबई टू इलाहाबाद और ये लो कॉस्ट विद सिंगल फ्लीट एंड ऑल इकोनॉमिक सीट, ठीक है। तो ये चाहते हैं हम लोग कि अब उड़े देश का आम नागरिक, ताकि बहुत सस्ता उड़ान हो सके और ये मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में पहला फ्लाइट लॉन्च किया गया है, ठीक है। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो रही है, आप बताइए कि नीति आयोग की जो मीटिंग हो रही है इसको कौन अध्यक्ष करेंगे या चेयरमैन कौन बनेंगे इसके? तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अगर नीति आयोग की मीटिंग होगी तो आपको पता होना चाहिए कि चेयरमैन हमेशा कौन बनेंगे, तो प्रधानमंत्री जी ही चेयरमैन होते हैं, नीति आयोग हो या इसके पहले प्लानिंग कमीशन था या फिर आप NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ले लें। अगर आप दो कमेटी जैसे कलम पढ़ा रहे थे CVC के बारे में बात करते हैं तो CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके भी चीफ को सिलेक्ट करने के लिए जो कमेटी बनता है उसमें भी मतलब प्रधानमंत्री जी ही उसको चेयर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मीटिंग हो रहा है और ये 7th मीटिंग है क्योंकि 7 साल हो चुके हैं, 2015 में नीति आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट है कि कॉमन पोर्टल फॉर रिकमेंडेशन एंड नॉमिनेशन ऑफ ऑल ऑफिशियल अवार्ड्स, तो हमने क्या किया है कि एक कॉमन पोर्टल बना लिया है, ये भी पढ़ाया है, तो कॉमन पोर्टल ताकि जितने भी ऑफिशियल अवार्ड हैं उसमें लोगों को मनोनीत किया जा सके, नॉमिनेट किया जा सके और साथ ही साथ यहाँ पे रिकमेंडेशन अगर देना है तो उसके लिए, ये कॉमन पोर्टल का नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार, नाम से पता चल रहा है राष्ट्रीय, ठीक है, पोर्टल है
तो पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि जिसको भी कोई भी गवर्नमेंट अवार्ड मिलने वाला है, किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो एक डिजिटल हमने पोर्टल बनाया है ताकि यहाँ पे रिकमेंडेशन और नॉमिनेशन किया जा सके. सॉरी, फिर है कि इंडिया की उड़ान. इंडिया की उड़ान एक कंपनी ने लॉन्च किया है आजादी के अमृत महोत्सव में. 75 साल हो चुके हैं, ठीक है. हाँ, इंडिया की तरफ से सुमन बेड़ी ही करेंगे क्योंकि वो वाइस चेयरमैन है, आर्यन. वेरी गुड. तो ये गूगल ने लॉन्च किया है उड़ान, इंडिया की उड़ान, और इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट, मोदी सर्किट. विच स्टेट हैज लॉन्च टू डेवलप मोदी सर्किट एज अ पार्ट ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट. तो देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे देश में टूरिज्म बढ़े. जितने लोग आएंगे बाहर से हमारे देश को देखेंगे, पर्यटन करेंगे, उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक तरह से आएगा. मान लीजिए कि यहाँ पे लोग डॉलर्स में निवेश करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा. तो मोदी सर्किट ये उत्तराखंड ने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश ने नहीं किया है, उत्तराखंड ने मोदी सर्किट शुरू किया है. अब ये मोदी सर्किट कहाँ पे, तो ये जिम टाइगर रिजर्व जो है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिसका नाम अब राम गंगा टाइगर रिजर्व हो गया है. तो यहाँ पर जो लोग घूमेंगे, जैसे बहुत सारा सर्किट है, रामायण सर्किट है, फिर आपका आयुर्वेदिक सर्किट है, तो यहाँ पे मोदी सर्किट शुरू किया गया है. और ये जिम कॉर्बेट में शुरू किया गया है, जिसका नाम अब क्या है, राम गंगा नेशनल पार्क है, क्योंकि ये राम गंगा नदी के किनारे ये नेशनल पार्क है, ठीक है. तो मैन वर्सेस वाइल्ड का जो शूटिंग हुआ था 2019 में, तो ये बेसिकली उसी के तर्ज पे इसको बनाया गया है, ठीक है. नेक्स्ट है ATGM. ATGM का मतलब होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. तो आपको बताना है कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी अभी टेस्ट फायर किया है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड यानी अपने ही देश में बना है, लेजर गाइडेड एंटी टैंक, यानी कि अगर दुश्मन का कोई टैंक है तो वो उसको उड़ा देगा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. और ये बनाने वाला है DRDO, जनरली DRDO ही बनाता है. तो DRDO और इंडियन, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इंडियन आर्मी ने अभी अभी इसको टेस्ट किया है, लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. और ये मिसाइल वर टेस्ट फायर्ड फ्रॉम मेन बैटल टैंक. तो हमारा जो मेन बैटल टैंक है उसका नाम है अर्जुन, ठीक है. तो जो हमारा मेन बैटल टैंक है उसका नाम है अर्जुन, और ये KK रेंजेस इन महाराष्ट्र में इसको टेस्ट फायर किया गया है, ठीक. नेक्स्ट है निखत जरीन के बारे में है. निखत जरीन जी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल. आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि निखत जरीन कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है. क्या ये बॉक्सिंग, कल पढ़ाया गया है आपको, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, रेसलिंग या शूटिंग. तो निखत जरीन क्या करती हैं, ये एक बॉक्सर हैं. निखत जरीन ने बर्मिंगम में हमारे लिए गोल्ड मेडल जीता है, और इन्होंने नॉर्थ आयरलैंड के जो मैकनॉल है, इनकी ओपोनेंट रही है, उनको 5-0 से हराया. तो लाइट फ्लाई यानी कि 48-50 kg वर्ग में इन्होंने जीत लिया है. 1996 बॉर्न है, और निजामाबाद आंध्र प्रदेश की हैं निखत जरीन. नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि एल्डोस पॉल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए. आपको बताना है कि एल्डोस, ठीक है, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है. हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप या शूटिंग. ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बिल्कुल. तो ये ट्रिपल जंप से रिलेटेड है, ट्रिपल जंप, ठीक है. यहाँ पे एल्डोस पॉल और अब्दुल्ला अबू बाकर, इन दोनों ने रिस्पेक्टिवली, मतलब एल्डोस पॉल जी ने गोल्ड मेडल जीता और अब्दुल्ला अबू बाकर जी ने सिल्वर मेडल जीता, और ये दोनों मेन ट्रिपल जंप कॉम्पिटिशन कॉमनवेल्थ में अपना बेस्ट एफर्ट दिखाकर भारत के लिए पदक लेकर आए हैं. नेक्स्ट है कि हु हैज रिसीव्ड, देखिए एक अलग टाइप का अवार्ड है, इसका नाम है 6th D Pal आर नंगम दुष्टोन अवार्ड. आप लोग भी देख लीजिए अच्छे से, ठीक है. तो बेसिकली ये एक टिबेटियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जी, इन्होंने लद्दाख का जो सबसे सर्वोच्च अवार्ड है, इसका नाम आप देख सकते हैं, थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है. तो ये लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, और ये लद्दाख का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है. ये बेसिकली एक ओकेजन मनाया जाता है जो कि लेह का फाउंडेशन डे रहा. लेह में लद्दाख को जब फाउंड किया गया था तो उस समय इसको सेलिब्रेट किया गया, ले उसका कैपिटल है, और यहाँ पे दलाई लामा जी को ये अवार्ड मिला है, ठीक.
कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने 100% तक नेशनल एजुकेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अब इन्होंने पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया 100%। तो आप जानते हैं कि ये गोवा है, गोवा ने गोवा जहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने, इन्होंने 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अब इम्प्लीमेंट कर दिया है। और जो इसके पहले का पॉलिसी था वो 1986 का था, उसके पहले का 1968 का था, ठीक है। तो अब 2020 का ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसको डाल दिया गया है। ओके मैम, मेरा आज एग्ज़ाम है, मुझे एक ही सब्जेक्ट दिया गया है एडमिट कार्ड पर, तो मुझे उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, हाँ जिस जो एडमिट कार्ड पे उसी को दोगे ना एग्जाम। नेक्स्ट है कि काला आजार। काला आजार एक बीमारी है और आपको आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने अपने लिए एक ईयर सेलेक्ट किया है कि इस साल तक हम काला आजार बीमारी से पूरी तरह से निकल जाएंगे। ये ईयर है 2023। तो भारत में पूरी तरह से काला आजार बीमारी से निकलने के लिए, जो कि एंडेमिक ब्लॉक डिजीज है, इससे निकलने के लिए हमने 2023 का साल चुना है, जबकि WHO कहता है कि दुनिया भर से काला आजार को नेग्लेक्ट करने के लिए हमको 2030 तक का समय चाहिए। तो हमने 7 साल पहले ये ले लिया शपथ कि अगले साल तक हमारा काला आजार बीमारी खत्म हो जाएगा, ठीक है। 12th एडिशन हो रहा है डिफेंस एक्सपो का, तो डिफेंस एक्सपो का जो 12th एडिशन हो रहा है और ये होने वाला अक्टूबर 18 से लेकर अक्टूबर 22, तो आपको बताना है कि किस सिटी में ये होने वाला है। तो ये होने वाला है, आपको सबसे पहले ये बताया गया आज कि ये गांधीनगर गुजरात में होने वाला है। नेक्स्ट, इंडिया की उड़ान जो कि 75 ईयर्स जर्नी दिखाएगा हमारे इंडिपेंडेंस का, कि आज़ादी के बाद 75 साल हमने क्या किया अपने देश के लिए। तो आपको बताना है कि इंडिया की उड़ान कौन से कंपनी ने अभी लॉन्च किया है। या आप जानते हैं कि इंडिया की उड़ान लॉन्च करने वाला कौन है, गूगल, ठीक है। तो इंडिया की उड़ान गूगल लॉन्च करेगा। नेक्स्ट, देखिए कभी कभी हम देख रहे हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चन में भी आप गलती कर रहे हैं, यानी कि आप शुरू से नहीं देख रहे हैं, और जो कल वाले क्वेश्चन है उसको भी आपको ध्यान से देखना है। RBI ने एक और फाइन लगाया है 2.33 करोड़ का एक फाइनेंशियल कंपनी पे, ठीक है, फॉर नॉन कंप्लायंस, क्योंकि ये RBI के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये जो कंपनी है, ये इसका नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, गुस्तावो पेट्रो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, आपको बताना है किस कंट्री के। सारे मैचेस के बारे में बताया जाएगा और आप लोग प्लीज अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। गुस्तावो पेट्रो जो हैं, ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं किस कंट्री के, तो ये है कोलंबिया। गुस्तावो पेट्रो जो हैं वो कोलंबिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, तो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक का मतलब होता है वो एरिया जो कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग ट्रॉपिक्स कहते हैं। सेमी एरिड का मतलब होता है जहां पर 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच की बारिश हो रही है, या कभी कभी 50 सेंटीमीटर से कम, यानी अगर और भी कम ज्यादा बारिश होगी तो ये जगह एरिड हो जाएगा। एरिड का मतलब होता है रेगिस्तान हो जाएगा। तो क्योंकि वहां पे पानी की व्यवस्था कम है, तो हमने एक कमेटी ऐसा बनाया है जो ये समझे कि क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था कम है, तो कम पानी में यहाँ पे क्रॉप उगाया जा सके। इसके लिए असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल भारत से संजय अग्रवाल जी को बनाया गया है। अगर आपको नहीं पता था तो भी आप इसका आंसर दे सकते थे, क्योंकि बाकी 4 ऑप्शन हम लोग जनरली पढ़ते रहते हैं। सुजॉय लाल थियोसन जो है, आपको पता है कि ITBP के ये DG हैं, और नलिन नेगी के बारे में हम जानते हैं, राजीव कुमार जी के बारे में हम जानते हैं, ये CEO थे नीति आयोग के और अभी अभी ये रिटायर किए हैं, है ना। तो उस तरह से आप बता सकते थे। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ लद्दाख, ये अवार्ड किसको मिला है, जिसका नाम है डी पाल आर नंगम और दुस्टॉन, ठीक है। तो ये अवार्ड आप जानते हैं दलाई लामा जी को मिला है। नेक्स्ट, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच टू लॉन्च हीम ड्रोन एथॉन, हैकेथॉन होता है ना, तो हीम ड्रोन एथॉन इसको डाला गया है। और ये किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने गठबंधन बनाया है। अच्छा, 8 बजे रेन हो रही है, ठीक है।
ताकि हम अपना ड्रोन जो है वो हिमालय क्षेत्र में ला सके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन कोस्ट गार्ड। हाँ, थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन इंडिया का ड्रोन फेडरेशन ने कोस्ट गार्ड के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ठीक है। 13th edition जो वज्र प्रहार है, इसको हम कर रहे हैं, ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। वज्र प्रहार हम लोग किस कंट्री के साथ करते हैं? अमेरिका के साथ करते हैं वज्र प्रहार। नेक्स्ट, लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। आप बताइए लक्ष्य सेन ने किस स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन के बारे में आप सबने सुना होगा। लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट, सात्विक सैराज नानकी रेड्डी और किसने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है मेंस डबल? ठीक है, तो सिंगल्स में आपको पता है लक्ष्य सेन ने जीता, पीवी सिंधु ने जीता। मेंस डबल का जो टूर्नामेंट हुआ है, तो रानकी रेड्डी जी के साथ कौन थे जिन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता? तो ये चिराग चंद्रशेखर सेट्टी थे, ठीक है। और चिराग शेट्टी जी जो है काफी फेमस है, और सात्विक और चिराग की जोड़ी भी बहुत फेमस है। अभी रिसेंटली भी बहुत सारे पदक से इन्होंने जीते हैं। और हाँ बिल्कुल, और जो हमने थॉमस कप जीता था, तो वहाँ पे भी इनका ही प्रदर्शन बहुत ज़्यादा मतलब सराहनीय था। लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, सात्विक, इनका नाम आपको अब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, फिर आप देखिए शरत कमल जी ने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो आपको बताना है कि शरत कमल जी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ये हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप या टेबल टेनिस? तो शरत कमल जी जो है वो टेबल टेनिस से रिलेटेड है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि बर्मिंगम में जो 8 अगस्त को कंक्लूड किया गया आपका कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इसमें भारत की रैंक क्या रही? बर्मिंगम में 8 अगस्त को कंक्लूड किए जाने वाला जो पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स था, भारत का रैंक रहा 4th, चौथे पायदान पे रहा भारत। नेक्स्ट है, नेम द प्लेयर हु हैज बीन नेम्ड एज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून। तो जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहे हैं? बाबर आजम, केशव महाराज, एंजेलियो मैथ्यू या प्रबन जयसूर्या? तो ये बेसिकली जयसूर्या है, ठीक है, यही रहे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजीनियस पीपल कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन हम आपसे तीसरी बार पूछ रहे हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजीनियस पीपल, तो इंडिजीनियस पीपल के लिए जो इंटरनेशनल डे है, ये आप जानते हैं कि ये मनाया जाता है 9th ऑफ अगस्त को। ये 9th होना चाहिए यहाँ, ठीक है, 9th ऑफ अगस्त को, चले ठीक है। अब ये सब हो गई बातें, अब कुछ समझने बुझने का काम करते हैं, जो कि आपके द हिंदू में कवर होता है या फिर PIB में कवर होता है, उस टाइप के जो कुछ न्यूज है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखें, आज का पहला जो न्यूज है जो आपको समझना है वो है इंडियन वर्चुअल हर्बारियम, ठीक है। तो हर्ब सब समझते हैं, हर्बारियम हर्ब होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा श्रब होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा प्लांट होता है, फिर ट्री होता है। तो जो एकदम हर्ब्स होते हैं, जो आपके मतलब बायोलॉजिकल काम के लिए भी, आपके मेडिकल काम के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ये हर्बारियम है, इट इज बिगेस्ट डेटाबेस ऑफ द कंट्रीज फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे देश में प्लांट्स हैं उसके बारे में एक डेटाबेस, एक वर्चुअल डेटाबेस, जिसके बारे में, वर्चुअल मतलब कंप्यूटर पे ही होगा। तो आपको अगर जानना होगा अपने देश में प्लांट्स के बारे में, हर्ब्स के बारे में, श्रब्स के बारे में, तो आप इस साइट पे जा सकते हैं। डेवलप्ड बाई साइंटिस्ट एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। एनिमल होता तो हम लोग पढ़ते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन ये डेवलप किया जाएगा साइंटिस्ट कहाँ के? BSI के, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो इंडियन वर्चुअल हर्बियम है वॉज इनॉग्रेटेड, कौन इनॉग्रेट किया इसको? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसके अंदर आएगा। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये कौन से, इनका नाम क्या है इस मंत्री का, ठीक है। ईच रिकॉर्ड इन द डिजिटल हर्बेरियम इंक्लूड अ इमेज ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पीशीमेन, साइंटिफिक नेम, कलेक्शन लोकैलिटी, कलेक्शन डेट एंड कलेक्टर नेम, ठीक है, विथ अ बारकोड। तो बेसिकली क्या होगा कि जब हम एक नए प्लांट को खोजते हैं तो उस प्लांट का फोटो रहेगा, फोटो के बगल में
प्लांट का, जो स्पीशी का प्लांट है उसका नाम रहेगा, ठीक है, साइंटिफिक नाम डाला जाएगा सबका, आपको पता है लियोपैंथ्रा इस तरह के साइंटिफिक नेम होते हैं, उसको डाला जाएगा, कलेक्शन लोकैलिटी, हाँ ठीक है ये स्पैम मत कीजिए, ठीक है, कलेक्शन लोकैलिटी यानी कि वो कहाँ से कलेक्ट किया गया है उसको डाला जाएगा, वो चीज लिखा रहेगा वहां पे कलेक्शन लोकैलिटी, साथ ही साथ वो डेट जिस दिन उसको कलेक्ट किया गया और जिसने उसको कलेक्ट किया उनका नाम, और हर एक प्लांट को अपना बारकोड नंबर मिलेगा, ठीक है। द डिजिटल हर्बेरियम ऑल्सो इंक्लूड फीचर्स टू एक्सट्रैक्ट द डेटा स्टेट वाइज, ठीक है, तो ये स्टेट वाइज के लिए एक अलग से लिस्ट रहेगा, अगर आपको लगता है कि आपको आंध्र प्रदेश का प्लांट जानना है तो उसके लिए। And the user can research and search plant of their own state, which will help them to identify regional and building regional checklist. आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम किस चीज से रिलेटेड है या हर्बेरियम किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI द्वारा इनके जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक डेटा बेस बनाया है, ठीक है, इनके साइंटिस्ट ने क्या किया है, डेटाबेस बनाया है जिसमें सारे प्लांट्स जिसको भी अभी खोजा जा रहा है उनके बारे में ये सारा सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, और इसको सजाया जाएगा स्टेट वाइज ताकि आप स्टेट वाइज अपने प्लांट्स के बारे में जान सके, ठीक। अब नेक्स्ट जो स्कीम है वो स्कीम है परवाज, परवाज। अब ये परवाज क्या है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत शिप योर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, यानी कि अगर आपने कुछ भी चीज़ उगाया है तो आप उसको शिप कर सकते हैं, दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। पेरिशेबल हार्वेस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर थ्रू एयर कार्गो, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो इसको शुरू किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि श्रीनगर या जम्मू से दुबई, शारजा, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, कहीं पे भी आप अपने सामान को भेजना चाहते हैं और आप जम्मू एंड कश्मीर में किसान हैं, तो आपको सिर्फ 96 रुपीस में दुबई और शारजा और अपने देश के अंदर, मतलब अभी अगर हम रैपिडो यहाँ से करेंगे अपने घर तक का तो 21 रुपए लगेगा, ठीक है, तो आप जम्मू एंड कश्मीर से एयर कार्गो में 1 kg per 1 kg 21 रुपए में अपने सामान को भेज सकते हैं, यानी कि अगर 10 kg है तो 210 रुपए में आप अपने सामान को दिल्ली तक पहुँचा सकते हैं। ये इसका पूरा सिस्टम है, इंडिविजुअल फार्मर्स देख सकते हैं या फिर आप SHG देख सकते हैं, जो फार्मर का पूरा अपना ग्रुप होता है, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम सब रेट लिखा है। आपको रेट नहीं जानना है, आपको ये समझना है कि मनोज सिन्हा जी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है, 25% तक का सब्सिडी मिलेगा। 25% का मतलब होता है, सब्सिडी मतलब होता है कि अगर 100 रुपए लग रहे हैं तो उसमें से 25 रुपए सरकार आपकी तरफ से देगी, आपको देने की जरूरत नहीं है, और ये जम्मू कश्मीर का इनिशिएटिव है परवाज, ठीक है। तो अब आप समझ चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी ने परवाज, जो कि मार्केट लिंकेज स्कीम है, और बहुत सारे लोग हैं जो खासकर मिडिल ईस्ट में जो कि जम्मू एंड कश्मीर के चीज़ों को डिमांड करते हैं, तो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या स्पाइसेस, आप जानते हैं कश्मीर कड़ेवाज, कड़ेवा करके जम्मू एंड कश्मीर में एक हिल है जहाँ पे केसर बहुत अच्छा उगाया जाता है, तो इस तरह से जो भी अपने पेरिशेबल गुड्स हैं उनको बहुत ही कम टाइम में एयर कार्गो करके ये एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम दर में। पहले ये पे कर देंगे और उसके बाद जो उनको 25% सब्सिडी है वो DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके बैंक अकाउंट में, फार्मर्स के बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है आपको बात। अब ये देखिए ये क्या है, डिलीशियस वीड, अब वीड तुम लोग वो मत समझ लेना, वो सब चीज नहीं है, ठीक है, पैक्ड विथ विटामिन एंड ओमेगा 3, ठीक है, तो पर्सलेन, पर्सलेन, अब ये क्या है देखो, तो अब ये भी न्यूज में है, वीड का मतलब क्या होता है आप लोग जो समझ रहे वो नहीं है, ठीक, हाँ, क्या होता है कि जब आप प्लांट कर रहे हैं, जब आप खेती करते हैं, तो जब आप खेती करते हैं तो जो मेन प्लांट आपको उगाना है, मान लीजिए कि हम धान का खेती कर रहे हैं, चावल का खेती कर रहे हैं, और पहले ही से कुछ कुछ जंगली पेड़ पौधा उगा हुआ है, तो हम कुछ भी छिड़कने के पहले, यूरिया छिड़कने के पहले या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़कने के पहले हम क्या करेंगे, उसको काट देंगे जो भी अपना जंगल का चीज उगा हुआ है, ठीक है, तो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको हम वीड कहते हैं,
जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं. बिल्कुल, वेरी गुड. तो बेसिकली वही न्यूज़ यही है कि पोर्टुला, इसका नाम थोड़ा खतरनाक है, पोर्टुलाका ओलेराकिया, ठीक है, ओलेराकिया, अब जो भी इसका नाम है, साइंटिफिक नाम यही है. साइंटिस्ट इंटीग्रेटेड टू मेटाबॉलिक पाथवे टू प्रोड्यूस अ नोबल टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इनेबल्स द वीट टू विदस्टैंड ड्राउट वाइल रिमेनिंग हाईली प्रोडक्टिव. तो अगर सूखा भी पड़ गया तो इनमें ऐसा फोटोसिंथेसिस करने का मैकेनिज्म है ताकि ये उस समय भी प्रोडक्टिव रहे. ठीक है, एक कॉमन वीड को देखा गया यहाँ पे, कॉमनली नोन एज, इसको हम लोग पर्सलेन के नाम से जानते हैं. ये जो है हमारा पर्सलेन, आप लोग भी देखे होंगे, ये बहुत कॉमन है. ठीक है, पर्सलेन. और इसको बोला गया कि ऑफर इम्पोर्टेंट क्लूज अबाउट क्रिएटिंग ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप्स इन द वर्ल्ड बी सेट बाई क्लाइमेट चेंज. तो बात यह है कि मान लीजिए कि एक ऐसा प्लांट है हमारे पास, भाई सूखा पड़ रहा है, नमक छिड़क रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो मर नहीं रहा है. ये आप लोग सबको देखे होंगे, अगर थोड़ा बहुत भी गार्डन वार्डन में देखें तो ये प्लांट आप लोग सबको देखे होंगे, बहुत कॉमन है. तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्यों, इसमें ऐसा क्या है जिसके कारण ये हर एक क्लाइमेटिक चेंजेस को टॉलरेट कर पाता है. क्या इसमें ओमेगा 3 है, या इसका जो फोटोसिंथेसिस करने का मैकेनिज्म है वो किस तरह से है ताकि हम उसको और बेहतर बना सके. अपने जो प्लांट्स है उस पर हम लोग ये रिसर्च करेंगे. तो ये एक इवोल्यूशनरी प्लांट है जो कि दोनों है, प्रोडक्टिविटी भी इसमें अच्छा है, अच्छा ये ग्रो करता है, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा ड्राउट टॉलरेंट, यानी कि सूखे को भी ये समझ जाता है कि चलो सूखा है तो भी ये उगते रहता है, जो कि अनलाइकली कॉम्बिनेशन है. या तो प्रोडक्टिव ज़्यादा रहेगा या तो ड्राउट ज़्यादा रहेगा. जितना तुम सफोस्टिकेटेड प्लांट लाओगे उतना उसका प्रोडक्टिविटी कम होगा, और उतना ही उसमें कम होगा क्षमता कि वो क्लाइमेट चेंजेस को निपट सके. तो ये उस बारे में. अदर यूजेस क्या है, तो इसको हम फोक मेडिसिन के लिए भी यूज़ करते हैं, लोकल, यानी कि जो लोकल लोग हैं उसको मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं, और एंटीसेप्टिक और वर्म्स वगैरह, अगर कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो ये भी प्लांट काम आता है. ठीक है, तो यही है. अच्छा, आप लोग शायद सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कोशिश करें कि क्वेश्चन आंसर भी हो जाए और चीज़ों को हम कंसेप्ट की तरह समझ भी जाए. ठीक है, चले. इंडिया की उड़ान हम लोगों ने अभी 3-4 बार पढ़ लिया कि गूगल ने इसको शुरू किया है, तो देखते हैं क्या है ये. तो बेसिकली कल्चरल मिनिस्ट्री और गूगल ने साथ में इनिशिएटिव लिया है. ये इनिशिएटिव क्या लिया है कि ये चाहते हैं अनवेविंग, यानी अनवेविंग और अनडाइंग स्पिरिट जो है भारत का, जो भी हमने अचीव किया है ये लास्ट 75 साल में, और जो हमारा एम है, हमारा रिच कल्चर, हमारा हेरिटेज, इन चीज़ों को पूरी तरह से इलस्ट्रेट करने के लिए या फीचरिंग करने के लिए हमने गूगल आर्ट एंड कल्चर के साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी एसोसिएशन किया है और इंडिया की उड़ान इनिशिएटिव को लिया है. ठीक है, ओके. अब ये एक फ़ोटो है, बताइए कहाँ का होगा, अपने ही देश का है गाइज. ठीक, एनी हिंट, नो हिंट. तो टेट्रापॉड क्या होता है, ये इस तरह से आप देख रहे हैं, टेट्राहेड्रल शेप का है, है ना, और टेट्रापॉड है. ठीक है, तो टेट्रापॉड बेस सी वॉलिंग फॉर रिड्यूसिंग कोस्टल इरोजन. तो कोस्टल यानी कि यहाँ से मिट्टी सब निकल जाता है, तो हमने क्या किया है कि इस तरह से टेट्रापॉड सी वॉलिंग बना दिया है. तो आप लोगों को अगर यहाँ पे समुद्र होगा और यहाँ पे टेट्रापॉड बना दिया है, तो फॉर रिड्यूसिंग कोस्टल इरोजन. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कोस्ट को प्रिजर्व करने के लिए केरला के इरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरुआत किया गया है, और ये कन्वेंशनल सी वॉल बनाया गया है चिल्लानम फेक टू चेक सी इनग्रेस. और बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि केरला में इसको बस बचाने के लिए बनाया गया, और कुछ नहीं. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम अग्निवीर के बैचेस के बारे में बताइए. देखिए, चीज़ों को इसी तरह से पढ़ना होता है, आपको दोनों अप्रोच रखना पड़ेगा. ऐसा अप्रोच कि जहाँ पे चीज़ें थोड़ी कंसेप्ट में पूछी जाए, तो इसीलिए हम आपको कंसेप्ट के साथ भी पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, और वो अप्रोच कि जहाँ पे आपको सीधे क्वेश्चन आंसर करना हो, क्योंकि एग्जाम में तो वही करना है. तो इन दोनों अप्रोच के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, और इन सारे बैचेस हैं हमारे पास, चाहे वो अग्निवीर के बैचेस हो. तो अग्निवीर का महापैक भी आ गया है, जिसमें आपको वायु और नेवी और साथ ही साथ आर्मी सब कुछ मिलेगा. फिर
अगर वही क्वेश्चन आंसर का बात है तो देखिए, पढ़ने का टाइम तो हो गया, पढ़ लिए, कंसेप्ट्स हो गया। अगर जिसका एग्जाम है 26, 27 और 28 का एफ कैट का, तो ये बैच है जहाँ पे आपको वो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे वो जीके हो, करंट अफेयर्स हो, मैथ्स, साइंस, रीजनिंग और इंग्लिश का। हमने एक ऐसा बैच बनाया, ये बूस्टर एमसीक्यू बैच है। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है एफ कैट के लिए, या आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है, तो इस बैच के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको पूरा कंसेप्ट रिवाइज करवाया जाएगा, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है? ओके। फिर ये OTA का और CDS का बैचेस है। तो CDS के जो बैचेस है, IMA हो या OTA हो, इन बैचेस में आप आ सकते हैं। अभी भी पढ़ाई चल रही है, लेकिन क्वेश्चन आंसर बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन आंसर को ही स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप महापैक आपके पास है या आप महापैक लेते हैं, तो एफ कैट या CAPF का फाउंडेशन बैच, CDS, अग्निवीर के बैचेस, ITBP, असम राइफल्स, ये सारे बैच आपको महापैक में मिल जाएंगे। उसी तरह से ये डिफेंस का महापैक है। अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीटेक या डिप्लोमा किया आपने, तो ये SSC JEE के बैचेस हैं। उसके अलावा DDA के बैचेस भी हैं। साथ ही साथ अगर आप महापैक लेते हैं तो आपको ये सारे बैचेस एक साथ मिल जाएंगे। तो मैं आपको अग्निवीर के बैचेस के बारे में बता देती हूँ और SSC के बैचेस के बारे में बता देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, आपको इस तरह से Adda247 पे जाना है। जब आप Adda247 के वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, और जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी देता है तो हम भी आपको अग्निवीर बैचेस के लिए सब्सिडी देंगे, ठीक है? तो ये अग्निवीर, वायु, नेवी, आर्मी, अगर जैसे अभी नेवी का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, तो ये नेवी का जो एग्जाम आने वाला है, ये देखिए 5999 का ये बैच है, लेकिन हम आपको प्रवास की तरह 25% नहीं, 77% डिस्काउंट देने वाले हैं। और यहाँ पे कोड आप अगर यूज करते हैं Y332, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी जरूरत नहीं है, पहले ही बेनिफिट मिल चुका है कि ये बैच आपको 1379 रुपीज़ में मिल जाएगा। और इस बैच में आपको सब कुछ मिलेगा, इंडियन नेवी का ये बैच है, और इस बैच में आपको क्वेश्चन आंसर, ई बुक्स, मतलब इसको लेने के बाद आई नॉट से कि और कुछ करने की जरूरत है, फाइन। और डिफेंस में अगर आप जाते हैं और एफ कैट का आपका एग्जाम आने वाला है, तो ये है आपका बूस्टर बैच। और गाइज, अगर आपके पास ये बैच नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास ये बैच हो, क्योंकि Y332 यूज़ करते ही जब आपको ये बैच सिर्फ 919 रुपये का मिलता है, तो इस बैच में वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और हाँ, एग्ज़ाम को देखने के बाद आप खुश हो जाएंगे, आपको याद आएगा कि अच्छा, ये क्वेश्चन हमने बनाया है और हमने मेक श्योर किया है कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो ये है आपका एफ कैट का बूस्टर बैच, जिसमें आपको इनरोल करना है। अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो ये SSC JEE के लिए आपके पास सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और साथ ही साथ नॉन टेक का बैचेस भी यहाँ पे हैं। आप जिस भी ब्रांच के हैं, आपको बस उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको व्यू ऑफर्स में जाना है। व्यू ऑफर्स में जाते ही मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको Y332 यूज़ करना है, Y332, और ये बैच आपको 2644 रुपीज़ में मिल जाएगा। इस बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा, SSC का पूरा नॉन टेक, जिसमें आपको रीजनिंग, साइंस और GK मिलेगा मेरे द्वारा, और पूरा टेक अगर आप मैकेनिकल के हैं, सिविल के या इलेक्ट्रिकल के हैं। और महापैक अगर आप लेते हैं तो SSC के बाद बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं और पूरी टीम के साथ कर सकते हैं। आज 12 बजे हम ज्योग्राफी लेक्चर 3 कर रहे हैं, तो YouTube पे आप सब आ सकते हैं वहाँ पे। थैंक यू फॉर द सेशन। और जो बच्चे इंजीनियरिंग के पेड बैचेस में हैं, उनका 9 बजे क्लास है अभी, जस्ट 8 मिनट बाद, सो आप लोग वहाँ पे मेरे को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।